महारत हासिल करने लगे हैं विराट कोहली। गजब का है ये खिलाड़ी। हवा में शॉट, वन बाउंस। क्रिकेट के मैदान पर नए मुकाम छू रहे विराट कोहली ने अब अवार्ड्स का रिकॉर्ड भी अपने नाम बना डाला है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का आईसीसी अवार्ड 2018 में जबरदस्त जलवा दिखा। उन्होंने टेस्ट, वनडे और सभी प्रारूपों के वर्ष में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार जीता। विराट को आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया है। वह सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के हकदार बने। साथ ही विराट पहली बार आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। इसके अलावा विराट लगातार दूसरे साल आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। बता दें, उन्हें 2012 में भी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाले कोहली क्रिकेट इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को दिया जाने वाला गारफील्ड सोबर ट्रॉफी के साथ आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट और एक दिवसीय खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके साथ ही विराट ने अनोखी हैट्रिक पूरी की। 30 साल के कोहली क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। साथ ही विराट कोहली को टेस्ट और वनडे टीम ऑफ द ईयर दोनों का कप्तान बनाया गया है। यानी विराट ने एक साथ 5 उपलब्धियां हासिल कर एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की और इतिहास रच दिया। वही अवार्ड पर खुशी जताते हुए विराट ने कहा कि मेरे प्रदर्शन के साथ टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, यह और भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड न सिर्फ खुद को बेहतरीन फॉर्म में रखने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी अच्छा करने की राह दिखाते हैं। कोहली ने कहा कि यह साल काफी शानदार रहा और कड़ी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने इसके साथ ही एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत और बॉक्सिंग डे टेस्ट की जीत को इस साल का सबसे शानदार पल बताया है। बता दे, आईसीसी ने मंगलवार को आईसीसी अवार्ड 2018 की घोषणा की। इसी कड़ी में वनडे और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी शामिल है। भारत के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी की टेस्ट और वनडे टीम ऑफ द ईयर 2018 दोनों का कप्तान बनाया गया। कोहली को कप्तान बनाए जाने के पीछे आईसीसी ने वजह बताई है। दरअसल उन्होंने 2018 में 14 वनडे मैचों में से 9 मैचों में भारत को जीत दिलाई। कुल मिलाकर भारत ने 14 मैच जीते और सिर्फ 4 मैच हारे, जबकि 2 मैच टाई रहे। वही अगर टेस्ट मैच की बात करें तो विराट कोहली 2018 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है। उन्होंने 13 टेस्ट में 55.8 की औसत से 1322 रन बनाए। उन्होंने 14 वनडे में 6 शतक के साथ 133.55 की शानदार औसत से सबसे ज्यादा 1202 रन बनाए। भारतीय कप्तान ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में भी 211 रन बनाए। इन्हीं सब रिकॉर्ड्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि कोहली जिस तरह से एक के बाद एक नए कीर्तिमान प्राप्त कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि कोहली क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को जल्द ही पीछे छोड़ सकते हैं। बहरहाल, आपकी क्या राय है इस पर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।